ओके 35 35 35 35 सब कुछ 35 में बिक रहा है। पीछे पीछे भी एक से बढ़कर एक से भी 35 नहीं 60 60 की है सर। मैं बताऊं चड्डियां महंगी हो गई, शर्ट बहुत सस्ती हो गई है लेकिन चड्डियां महंगी हो गई। That's very true. Shirts बहुत सस्ती हो गई, चड़ियाँ महंगी हो गई, बट आप बताएं फ्री की आई कॉमेडी मूवी, मतलब आज तक मैंने आपको सीरियस रोल्स में देखे, तो ये आप निभा कैसे रहे ऐसे रोल्स को? निभाना तो खैर हर करेक्टर को निभाना ही पड़ता है और ये सारा जो होता है सब डायरेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस उसमें सोच रहा है। हो सकता है उनको कोई नज़र आया हो कि इससे मैं कॉमेडी कराऊँ, सोहेल भाई को नज़र आया उससे कॉमेडी कराता हूँ, मे भी शायद उनको कहीं लगा होगा कि कॉमेडी बहुत अच्छी हो पाएगी अगर इनको लिया जाएगा। हालांकि इसमें ये फिल्म बहुत ही लोगों को लग रहा है बट ये बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म है एक्चुअली। जी जी। और हमने कॉमेडी आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं की, बहुत ही रियल कन्वर्सेशन तरीके से ही रखी है उसको। राइट राइट। पर इसमें मतलब एक एक रियल लाइफ स्टोरी भी है, मतलब बहुत सारे ऐसे कैडीज हैं इंडिया में, रोहताज सिंह है मेरे ख्याल से, अली शेर है, उस टाइप के बहुत सारे ऐसे कैडीज हैं जो फाइनली मतलब वर्ल्ड क्लास के गोल्फर्स बन गए, तो क्या उनसे भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड है ये? उनकी लाइफ से भी बहुत ही इंस्पायर्ड है, और क्योंकि हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे जितने भी कैडीज थे वो इतने अच्छे गोल्फर थे, जब उन्होंने अपना गेम दिखाया तो कमाल के गोल्फर हैं, और बहुत ही वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे गोल्फर हैं जो पहले कैडी थे एक्चुअली। जी, तो क्रिकेट क्यों नहीं? देखो आज की डेट में हर बंदा कहता है एक मैं धोनी बनाऊँ, एक मैं सचिन तेंदुलकर, गोल्फ एक बहुत अमीरों का आज तक खेल रहा है, तो उसमें अगर आप डाउन टू अर्थ कॉमेडी बना रहे हैं जो फॉर द मासेस बना रहे हैं, तो क्या लोग इससे रिलेट कर पाएंगे और कैसे रिलेट? जैसे मैंने बताया कि हमने कॉमेडी को बिल्कुल कॉमेडी की मतलब जिसमें कि हमें ये फिल्म कॉमेडी बनानी ऐसे करके नहीं, हमने फिल्म बनाई। गोल्फ है और सीरियस गेम है गोल्फ, और वो उसकी वो नज़ाकत को समझते हुए गोल्फ की नज़ाकत को हमने इसका वो मजाक नहीं उड़ाया। अच्छा, ये एक खास बात इसमें है। जी हाँ, बाकी जो कन्वर्सेशन है उसमें लेकिन उसका कैरेक्टर चूँकि फ्रिकी है, वो उसका कैरेक्टर ऐसा है कि जब वो बात करते हैं तो ऐसी पंचलाइन बीच में पंचलाइन के उसकी लैंग्वेज ऐसी है जो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत गुदगुदा देती है कहीं ना कहीं। अदरवाइज गोल्फ रही बात गोल्फ की, गोल्फ का हमने कहीं पर भी ज़रा सा भी वो नहीं किया। हाँ, ये जैसे दिमागों में ये बना हुआ है कि भाई गोल्फ जो है वो अमीरों का गेम है, एक्चुअली इसी चीज़ के ऊपर ये फिल्म है कि हम लोग या आम लोग क्यों नहीं खेल सकते गोल्फ। जी नहीं, पर जो मतलब महंगा है मतलब गेम जो है ये खेलने में ही महंगा है, मतलब इस टाइप का ये अमीरों का गेम माना जाता है, जैसे सेलिंग होता है, गोल्फ होता है, वो अमीरों का गेम माना जाता है। खैर बहरहाल उसको छोड़ते हुए, आप इसके लिए क्या तैयारी की? क्योंकि ये तो मतलब ऐसा गेम है जिसके लिए आपको तैयारी करके ही जाना पड़ता है, क्योंकि मतलब थोड़ी सी इसकी टेक्निकलिटीज़ है, तो उसमें आपने क्या क्या किया? एक्चुअली हमारे उसमें मैंने गोल्फ सीखा पहले तो फिल्म की शुरुआत होने से पहले, और हमारे जो ट्रेनर थे सिद्धार्थ अरोड़ा हैं जो गोल्फर हैं, प्रोफेशनल गोल्फर हैं, उन्होंने सिखाया पूरा गोल्फ, और काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद तभी हम मैदान में। अच्छा, और मूवी के दौरान क्या आपको कोई ऐसी बात लगी कि शायद ये मैं ना कर पाऊँ? क्योंकि नॉर्मली आपको ऐसे रोल्स में देखा नहीं जाता है, तो कई बार होता है कि इंसान झिझकता है नया रोल नई तरह की चीज़ करने में। आई थिंक मैं शायद एक ऐसा ज़िद्दी एक्टर हूँ जो हर वो रोल करना चाहते हैं जिससे लोग झिझकते हैं। आई थिंक जैसे एक चलन है, दस्तूर है अपने यहाँ पे कि हर आदमी एक टिपिकल एक हीरो का किरदार जो टिपिकल होते हैं टिपिकल हीरो का किरदार करना चाहते हैं। जी, बट मैं उसके साथ साथ उसके अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ किरदार हैं वो भी मैं करता हूँ, और मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा आता है एज एन एक्टर, और मुझे एक चैलेंज मिलता है, और चैलेंज इसलिए मिलता है क्योंकि मैं अनकम्फर्ट जहाँ फील करता हूँ सबसे पहले मैं वही ग्रैब करता हूँ। तो वो तो वैसे ही विनर एक मतलब मुद्दा बन जाता है ना कि आप इसको तो विन कर ही रहे हैं। इस मूवी में मान लो कि गोल्फ के बारे में है। जी, जो मेजर मूवी है वो गोल्फ के बारे में है, पर हर मूवी रिलेशनशिप्स के बारे में भी होती है, तो इसमें कैसे रिलेशनशिप्स उभर के आते हैं? किस से रिलेशनशिप मतलब फिल्म के दौरान रिलेशनशिप्स? फिल्म के दौरान जो जैसे दिखाया है कि जो रिलेशनशिप है जो उसके आसपास का जो वर्ल्ड है जी, उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे वो उनसे एक जैसे आम लाइफ में रिलेशनशिप होती है वैसी है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा या
प्रेशर डाल के हमें कोई ऐसा वो नहीं किया, जो आम लाइफ में रिलेशनशिप होती वैसी उसकी सबसे रिलेशनशिप है, उसकी मदर है, उसकी उसके दोस्त हैं, उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसकी जो एमी जैक्सन कर रही है जिसका रोल जी, उससे बहुत ही क्यूट सी एक रिलेशनशिप है इस तरह की, जैसे रोज़मर्रा की लाइफ में रिलेशनशिप होती है। जैसे कोई ऐसा रोल है आज की डेट में नवाज के साथ जो वो करने चाहते हैं जो आज तक उसने नहीं किया, मतलब जो बिल्कुल हटके हो, मतलब मैं मानता हूँ कि आप बहुत हटके करते हैं, तो ऐसा कोई रोल है जो आप बिल्कुल तबीयत वाली रोल जो आप करना चाहिए? हालांकि मैंने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं कि मैं कोई अलग हटके कुछ ऐसा कोई मैं दिमाग में कभी लाता नहीं हूँ कि मैं अब ये इस तरह का कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, कुछ फिल्में जब आती हैं तो इंस्पायर करके चली जाती हैं और एक बुक दे के चली जाती हैं आपको कि यार, क्योंकि वो लाइक जैसे अभी हाल फिलहाल मैंने कुछ फिल्में देखी थी, लाइक जैसे बर्डमैन थी, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट थी, मुगले आजम है, जो मैं वाकई वो किरदार जो दिलीप साहब का जो किरदार है मैं वो करना, अगर इस तरह की फिल्म करनी बनती है वो एटीट्यूड जो था उनका उस तरह का किरदार मैं करना चाहता हूँ। और कोई ऐसा रोल या कोई ऐसा किरदार जो आप कहते हैं कि ये तो मैंने करना ही नहीं मेरी लाइफ में, आई थिंक मुझे नहीं लगता, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा जो किरदार मैं हमेशा वो करूँगा। ओके, आज की डेट में नवाजुद्दीन के पास चॉइस है, वो जो करना चाहे कर सकते वहाँ तक पहुँच गए तो, और मेहनत लगी आपको इसमें, तो बडिंग एक्टर्स के लिए और जो ये इंडस्ट्री में घुस रहे हैं या जो करना चाहते हैं काम, उनके लिए और मतलब हज़ारों आते हैं एक पनपता आपकी तरह, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें सक्सेस के लिए क्या सबसे ज़रूरी क्या? आई थिंक जो आपकी यूनिकनेस होती है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत मैंने जैसे अक्सर देखा है जब बाहर से बहुत सारे एक्टर्स आते हैं बॉलीवुड में काम लेने के लिए, तो सबसे पहले वो आते ही फॉलो करने लगते हैं जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर को, वहीं पे आपकी यूएसपी ख़त्म हो गई, फिर मैं आपको क्यों देखूँ, मैं तो देख ही रहा हूँ ना दूसरे को, राइट? आपकी क्या खासियत है, मैं तभी आपको देखूँगा जब आपकी कुछ खासियत होगी, तो वो खासियत आप सबसे पहले आके उसी खासियत को किल कर खत्म करें, तो वो उसको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो नवाजुद्दीन अपनी यूएसपी क्या समझते हैं? मैं अपनी यूएसपी के बारे में मैं खुद तो नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? आपको पता, देखो ये वाली दुकान मैंने बेचनी, बाकी कोई मैं बेचूंगा नहीं। यूएसपी नहीं बता सकते, बट आई थिंक मुझे ये लगता है कि अगर मुझे जिस तरीके से मुझे थैंक गॉड इंडस्ट्री वेलकम कर रही है, जिस तरीके से मुझे किरदार दे रही है, तो कोई ना कोई खास बात तो होगी, वो मुझे नहीं पता। जिस दिन मुझे पता चल जाएगी वो यूएसपी खत्म हो जाएगी, तो मैं जानना नहीं चाहता। एक्सेलेंट, अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और मतलब ये बिल्कुल, मतलब मैं तो क्रिकेटिंग टर्म्स ही जानता हूँ, स्टेडियम से बाहर छक्का लग जाए। ओके नवाज सर।